हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनु। आप देख रहे हैं अनुज रेसिपीज। फ्रेंड्स, आज हम काजू सीताफल बनाएंगे। काजू सीताफल बनाने के लिए हमें काजू की जरूरत है, लेकिन आज हम इस काजू सीताफल को बिना काजू के बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इन काजू सीताफल को किस तरह से बनाएंगे और इनका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा कि काजू सीताफल का आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काजू सीताफल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मूंगफली ली है। इसको मैंने भून लिया है। आधा की कच्ची मूंगफली को भून करके तैयार कर सकते हैं। अब हम इन्हें पीस लेंगे। पीसने के लिए मैंने 250 ग्राम मूंगफली को मिक्सी जार में डाल लिया है और हम इसको लगातार चलाते हुए नहीं पीसेंगे, बल्कि एक एक सेकेंड चलाकर मिक्सी चलाएंगे और एक एक सेकेंड में उसको बंद कर देंगे। अगर हम इसको लगातार चला के पीसेंगे तो मूंगफली का पाउडर बनने की बजाय उसका पेस्ट बन जाएगा। तो हम इसको लगातार नहीं चलाएंगे, एक सेकेंड चलाने के बाद रोकेंगे, फिर एक सेकेंड चलाएंगे। देखिए, मैंने इसका इस तरह से पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। अब हम इसमें, मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने मिल्क पाउडर लिया है, वो इसमें डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो इसको ना डालें, कोई दिक्कत नहीं है, इससे इसके टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे। पैन में मैंने यहाँ पर 150 ग्राम शुगर ली है, लगभग 1 कप शुगर ली है मैंने। इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे और इसकी एक तार की चाशनी बना करके तैयार करेंगे। बहुत हल्का सा तार बनना चाहिए इसमें, बहुत टाइट तार हमें नहीं बनाना है। गैस को हम लो टू मीडियम रखेंगे और लो टू मीडियम गैस पर हम इसकी एक तार की चाशनी बना करके तैयार करेंगे। पहले हम चीनी के घुलने तक गैस को तेज रखेंगे और फिर गैस को हम कम करके लो टू मीडियम फ्लेम पर एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। जब तक हमारी चाशनी तैयार हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हम एक प्लेट लेते हैं और उसको हम घी से ग्रीस कर लेते हैं, क्योंकि जब हमारा डो बनकर तैयार हो जाएगा तो हम इस प्लेट में उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिससे कि वो चिपकेगा नहीं प्लेट में। अब हमारी चाशनी शायद बन गई है, एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। एक प्याले में मैंने 2-3 ड्रॉप गिराई हैं। इसको हम इस तरह से चिपका कर देखते हैं, तो देखिए हल्का सा तार बनने लग गया है। बहुत ज़्यादा तार हमें नहीं बनाना है, बस हल्का सा तार बन गया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर मिक्स कर रहे हैं और इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून घी यूज़ किया है। इन तीनों को हम मिक्स करेंगे अच्छे से। गैस को हमने इस वक्त बिल्कुल कम किया हुआ है और अब हमारा जो मूंगफली का पाउडर है उसको हम मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। गैस को हमें बिल्कुल कम रखना है, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई भी लम्स नहीं बनने चाहिए, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने सारा बैटर अच्छे से मिक्स कर लिया है, एक डो की तरह ये बनने लग गया है। अब उसको तक अच्छी तरह से चलाएंगे गैस को कम करके, जब तक ये पैन नहीं छोड़ने लग जाए। जब ये पैन छोड़ने लग जाएगा उसके बाद हम इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। दबा दबा कर हम इसके सारे लम्स निकाल लेंगे, नहीं तो फिर हमारे जो सीताफल है वो अच्छे नहीं बनेंगे। देखिए, इस तरह से हम इसके सारे लम्स निकाल लेंगे और इसको अच्छा सा परफेक्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है थोड़ा थोड़ा, बस एक ही मिनट में ये तैयार हो जाएगा। देखिए, इसने पैन छोड़ दिया है, गैस हमने ऑफ कर दिया है और इस डो को अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। जिसमें हमने घी लगाया था उसी प्लेट में इसको निकाल लेंगे और इसको अब हम हल्का सा ठंडा करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको ठंडा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हमारी जो सीताफल है वो बन नहीं पाएंगे। हल्का सा इसको हम ठंडा करेंगे, उसके बाद हम सीताफल बनाना तैयार स्टार्ट करेंगे। अभी हल्का सा ठंडा हो गया है तो अभी हम क्या करते हैं, अपने हथेली पर थोड़ा सा घी लगाते हैं और घी लगाने के बाद हम छोटे छोटे से 4 बॉल तैयार करेंगे। छोटे से नींबू के साइज़ के मैं बना रही हूँ, आप चाहे तो थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, तो चाहे तो थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। इस तरह से हम एक बॉल बनाकर तैयार करेंगे। इसी तरह से हम 3-4 बॉल तैयार कर लेंगे। अभी ये थोड़ा सा पतला लग रहा है, लेकिन ये थोड़ी देर में बिल्कुल टाइट होने लग जाएगा। ये देखिए, हमने अपनी बॉल्स तैयार कर ली है। अब बाकी का जो बैटर, इससे हम छोटी छोटी सी गोलियां बनाएंगे। बहुत छोटी छोटी हमें गोलियां बना के तैयार करनी है। अगर गोलियां बनाते हुए अगर आपको ऐसा लगे कि आपका जो डो है थोड़ा सूखा सूखा हो रहा है, थोड़ा टाइट होने लग गया है, तो आप उसमें एक छोटा चम्मच दूध का मिला लीजिएगा, जिससे कि आपका जो डो है बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हम छोटी छोटी गोलियां बनाकर तैयार कर लेंगे सारे डो की।
हमने सारी गोलियां बना ली हैं। अब हमें क्या करना है कि हम एक बड़ी वाली गोली उठाएंगे, बड़ी वाली जो बॉल हमने बनाई थी वो उठाएंगे, थोड़ा सा दूध लेंगे और एक छोटी सी गोली, छोटी वाली जो गोली है उसको दूध में डिप करके इस तरह से और इस पर चिपकाएंगे बड़ी वाली गोली पर। इसको हल्का सा दबाव देके चिपकाएंगे, बहुत टाइटली हमें इसको नहीं चिपकाना है, नहीं तो ऊपर से ये फ्लैट हो जाएगा बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा दबाव देते हुए हम इनको चिपकाते जाएंगे। दूध में लगाकर चिपक से क्या है कि ये थोड़ा इजीली चिपक जाती हैं, नहीं तो ये इनका निकलने का डर रहता है। ये देखिए इस तरह से हम इनको हल्का सा दबाव भी देके रखेंगे और एक एक गोली इस पर चिपकाते जाएंगे दूध में लगाकर। हल्का हल्का से इसको प्रेस करते जाएंगे और दूध में डालकर इसको हम चिपकाते जाएंगे। देखिए कितना सुंदर सीताफल बनकर तैयार हो रहा है हमारा। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको इसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा कि काजू वाले सीताफल का आता है, इसके टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता। देखिए हमने इस तरह से सीताफल बना करके तैयार कर लिया है। अब इसको हम दोनों हाथों से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि जो सारी गोलियां हैं वो अच्छी तरह से चिपक जाए बॉल पर। देखिए इस तरह से सीताफल बन करके तैयार है। अब हम सारे सीताफल अपने इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सारे सीताफल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमें इनको कलर करना है, जो कि सीताफल का कलर होता है जैसे हलवाई लोग करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर लिया है, उसको हम ब्रश से इस तरह से कलर करेंगे। आप चाहे तो हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे हाथ क्या थोड़े गंदे हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले किया था एक, तो मेरा हाथ गंदा हो गया है, तो इसलिए आपके हाथ गंदे हो सकते हैं, इसलिए हम इसको इस तरह से कलर करेंगे ब्रश से। आप चाहे तो बिना कलर के भी इनको यूज़ कर सकते हैं, पर इनका कलर करने से थोड़े ज़्यादा सुंदर लगते हैं जैसे हलवाई लोग बनाते हैं। अगर आप घर में ही खाना चाहते हैं तो आप बिना कलर के भी इनको बनाकर खा सकते हैं। ये देखिए इसके इस तरह से हम इसको फिर हाथ में थोड़ा सा राउंड कर लेंगे जिससे कि कलर चारों तरफ से अच्छे से फैल जाए। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। इसी तरह से हम अपने सारे सीताफल तैयार करेंगे। ये देखिए हमने चारों सीताफल अपने तैयार कर लिए हैं। ये देखिए कितने सुंदर सीताफल लग रहे हैं। इनको देखकर कोई कह नहीं सकता कि हमने बिना काजू के इनको बनाया है या फिर इसको हमने घर पे बनाया है। बिल्कुल हलवाई जैसे ही लग रहे हैं दिखने में ये, और बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। इस बार आप दिवाली पर ये मिठाई आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी ऐसी ही इनोवेटिव रेसिपीज़ लाती रहूँगी। चलिए फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आप एक रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बाय।